दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर वहां पुलिस की मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। वो ऐसा कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहती जिससे किसान आंदोलन के समर्थक फिर से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुस सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अब स्थायी इंतजाम करने का प्रयास किया है। खबर है कि दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड के रूप में कंक्रीट की दीवार खड़ी की गई है। वहीं टिकरी बॉर्डर की सड़क पर बड़ी बड़ी कीले लगा दी गई हैं। कभी नहीं देखे ऐसे इंतजाम। रिपोर्टों के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने शनिवार से ही परमानेंट बैरिकेड बनाने शुरू कर दिए थे। अब तक पुलिस रास्ता रोकने के लिए सीमेंट से बने बैरिकेड सड़कों पर लगाती थी। इन्हें जरूरत के मुताबिक हटाया और लगाया जा सकता था। ये बैरिकेड इतने भारी होते हैं कि कोई भी वाहन इन्हें हटा नहीं सकता। पुलिस इन्हें क्रेन के सहारे कहीं भी लगा देती है। 26 जनवरी को भी ऐसे बैरिकेड किसानों के रास्तों पर लगाए गए थे, लेकिन ये किसी काम नहीं आए। किसानों ने ट्रैक्टर्स की मदद से इन्हें भी हटा दिया था। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब ये उपाय कर रही है। सड़क पर परमानेंट बैरिकेड बनाए गए हैं। ये बैरिकेड असल में कंक्रीट की दीवार है। इनकी मोटाई और मटेरियल तो पहले वाले सीमेंट के बैरिकेड जैसे ही हैं। फर्क बस इतना है कि इन्हें जगह से हटाया नहीं जा सकता। अगर किसी को इन्हें पार करना है तो दीवार को तोड़ना पड़ेगा। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर बड़े बड़े कीले लगाई हैं। इन कीलों को इतना मोटा और ऊंचा रखा गया है कि ट्रैक्टर इनसे पार ना जा सके। किसी भी प्रकार के आंदोलन के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ऐसे इंतजाम शायद ही कभी राजधानी या उसके आसपास देखे गए हों। गाड़ियों को रोकने के लिए पुलिस कटीले तारों का इस्तेमाल तो करती ही है, लेकिन इस तरह के इंतजाम पहली बार देखने को मिल रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जब किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमा पर पहुंचा तो उन्हें रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेड लगाने और सड़कों पर गड्ढे बनाने जैसे उपाय किए थे। हालांकि इस तरह के उपाय किसानों को रोकने में नाकाम साबित होते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीती 26 जनवरी को देखने को मिला, जब प्रदर्शनकारी किसानों का एक हिस्सा पुलिस के सारे इंतजामों को तोड़कर ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर गए।